प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड विषय एबीएसटी अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन के प्रश्न पत्र प्रथम में पूंजी संरचना का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम आर मुरार का राजकीय महाविद्यालय जूज। आज हमारा जो टॉपिक है वह है पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना के लिए किसी भी संस्था की सफलता या असफलता का प्राथमिक तत्व है उसकी पूंजी की उपलब्धता है। कोई भी कंपनी हो, व्यापार हो, कोई संस्था हो, उसके लिए जो उसकी सफलता या असफलता, वो सबसे पहले जो प्राथमिक तत्व है उसकी पूंजी की उपलब्धता है कि उसके पास कितनी पूंजी है, क्या पर्याप्त मात्रा में पूंजी है नहीं है, इस प्रकार हम उसकी जानकारी करें। तो हम कह सकते हैं कि किसी संस्था की सफलता एवं असफलता का प्राथमिक तत्व है उसकी पूंजी की उपलब्धता एवं पूंजी प्राप्ति के स्रोत है। उसकी पूंजी की उपलब्धता क्या है और पूंजी किस स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होगी, इसकी जानकारी करनी है। पूंजी प्राप्ति के स्रोतों में मुख्यतः आंतरिक एवं बाह्य स्रोत होते हैं और संस्था की कुल पूंजी में मुख्यतः समता अंश, इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकारी अंश, प्रेफरेंस शेयर, ऋण पत्र, डिवेंचर्स व अन्य शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स, अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण जो प्रमुख हैं। समता अंशों पर लाभांश देना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पूंजी प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो मुख्यतः आंतरिक या बाह्य दो प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन संस्था की जो कुल पूंजी में मुख्यतः माना जाता है स्रोत वो समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, ऋण पत्र एवं अन्य जो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण हैं उनके माध्यम से पूंजी प्राप्त करती की जाती है। समता अंशों पर लाभांश देना अनिवार्य नहीं है, जबकि पूर्वाधिकारी अंश, ऋण पत्र एवं अन्य जो ऋणों पर ब्याज या लाभांश की अनिवार्यता है। अतः पूर्वाधिकार अंशधारी ऋण पत्रधारियों को एक निश्चित आय होती है, जबकि समता अंशधारियों को आय की अनिश्चितता रहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पूर्वाधिकारी अंश और ऋण पत्रधारी हैं उनकी कोई एक निश्चित कोई न कोई आय निश्चित होती है, निश्चित की जाती है, जबकि जो इक्विटी शेयर हैं, समता अंशधारी हैं, उनकी अनिश्चितता रहती है। पूंजी संरचना के अंतर्गत मुख्य रूप से देखा जाता है कि पूंजी की प्राप्ति हेतु किन किन प्रतिभूतियों का निगमन किया जाए, पूंजी प्राप्ति के लिए कौन कौन सी प्रतिभूतियों का निगमन किया जाए, उनका आपस में क्या अनुपात हो तथा उसकी मात्रा और मूल्य क्या हो, इन बारे में हमें जानकारी या अध्ययन करेंगे। और पूंजी संरचना का सबसे पहले हम अर्थ एवं परिभाषा उनकी जानेंगे। पूंजी संरचना का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ ए कैपिटल स्ट्रक्चर। एक व्यावसायिक संस्था में पूंजीकरण की राशि का निर्धारण करने के बाद पूंजी संरचना का निर्धारण करना आवश्यक होता है। अतः पूंजी संरचना का अर्थ पूंजीकरण राशि को किन किन प्रतिभूतियों द्वारा किस किस अनुपात में प्राप्त करने के निर्धारण करने से होता है। अर्थात हम ये कहें जो पूंजीकरण की राशि है वो किन किन प्रतिभूतियों के माध्यम से और किस अनुपात में प्राप्त करनी है, इसका निर्धारण ही पूंजी संरचना है। पूंजी संरचना में पूंजी के विभिन्न साधनों का एक ऐसा अनुपात निर्धारित किया जाता है जिससे वे कंपनी को एक ऐसी विशिष्ट पूंजी संरचना प्रदान करें जो कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। पूंजी संरचना जिन प्रतिभूतियों द्वारा निर्धारित की जाती है उनमें प्रत्येक प्रतिभूति के अपने अपने गुण एवं दोष होते हैं। किसी कंपनी की पूंजी संरचना में किसी एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभूतियों का अधिक भाग होना आगे चलकर कंपनी के लिए अधिक लाभदायक अथवा अधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम माने कि यदि एक कंपनी अपनी पूंजी संरचना में समता अंश, इक्विटी शेयर का ही प्रयोग करे
तथा ऋण पूंजी का प्रयोग नहीं करें तो ऐसी कंपनी समता पर व्यापार के लाभ से वंचित रह जाएगी, ट्रेड ऑन इक्विटी जो है उससे वंचित रह जाएगी। तथा ऐसी कंपनी अपने अंशधारियों युवा स्वामियों के लिए अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होगी। इसके विपरीत एक कंपनी अपनी पूंजी संरचना में समता अंशों को कम तथा ऋण पूंजी को अधिक महत्व देती है तथा कंपनी की आय में अत्यधिक उतार चढ़ाव आते हैं तो ये माना जाएगा कि इस कम प्रकार की कंपनी अपने ऊपर बहुत अधिक जोखिम ले रही है और इस प्रकार की पूंजी संरचना को पूंजी का उच्च गेयरिंग कहते हैं। ये पूंजी संरचना संपन्नता के वर्षों में समता अंशधारियों की आय को अधिक बढ़ा देती है परंतु विपन्नता के वर्षों में यह न केवल समता अंशधारियों की आय को बहुत घटा देती है बल्कि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी जोखिम भी उत्पन्न कर देती है, क्योंकि ऐसे वर्षों में कंपनी पूर्व अधिकारी अंशों तथा ऋण पत्रों पर दे निश्चित भार को वहन करने में असमर्थ होती है। अतः कंपनी की पूंजी संरचना का निर्धारण अत्यधिक सोच समझकर करना चाहिए और किसी आदर्श पूंजी की संरचना की कल्पना करना तो कठिन है जिसे सभी कंपनियों एवं व्यवसायों के समान रूप से लागू किया जा सके। अतः प्रत्येक व्यक्तिगत स्थिति में प्रत्येक कंपनी के लिए उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार पूंजी संरचना का निर्धारण करना चाहिए। पूंजी का जो निर्धारण है वो प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति में प्रत्येक कंपनी के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रख के ही पूंजी संरचना का निर्धारण करना चाहिए। इसमें कुछ लेखक भी अपने विचार व्यक्त करते हैं कि पूंजीकरण और पूंजी संरचना दोनों ही एक अर्थ में प्रयुक्त करते हैं जो गलत है। हम पूंजीकरण को एवं पूंजी संरचना को एक नहीं मान सकते क्योंकि ये अलग अलग हैं। इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। जहाँ पूंजीकरण का तात्पर्य संस्था के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा का निर्धारण करना होता है, पूंजीकरण का अर्थ क्या है कि संस्था की आवश्यक पूंजी की मात्रा का निर्धारण करना होता है, कितनी आवश्यकता होगी उसकी पूंजी को ये निर्धारण करना होता है। वहाँ पूंजी संरचना का जो तात्पर्य है वो पूंजी के स्वरूप का निर्धारण करना होता है उसका, और पूंजीकरण में यह निर्धारण किया जाता है कि संस्था के लिए कितनी पूंजी प्राप्त की जाए, जबकि पूंजी संरचना में यह निर्धारित किया जाता है कि पूंजी की राशि किन किन प्रतिभूतियों द्वारा किस अनुपात में प्राप्त की जाए। ये स्पष्ट हो गया कि संस्था के लिए कितनी पूंजी प्राप्त की जाए ये पूंजीकरण है, और पूंजी संरचना में यह निर्धारित किया जाता है कि पूंजी की राशि किन किन प्रतिभूतियों द्वारा किस अनुपात में प्राप्त की जाए। गेस्टनबर्ग जो लेखक हैं ने इन दोनों के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पूंजीकरण एक निगम की स्वामी पूंजी तथा ऋण पूंजी जो इसके लिए दीर्घकालीन ऋण भार द्वारा व्यक्त होती है के बराबर होती है, और पूंजी संरचना उन प्रतिभूतियों के प्रकार को व्यक्त करता है जिनसे पूंजीकरण का निर्माण होता है। अतः साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पूंजीकरण एवं पूंजी संरचना की आवश्यकता है वो पहली आवश्यकता तब है जब संस्था के संगठन के समय जब संस्था का गठन किया जाता है उस समय पूंजीकरण या पूंजी संरचना दोनों की आवश्यकता। संस्था के विकास या अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता के समय जब हमें संस्था का विकास करना होता है उसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तब जरूरत होती है। अन्य संस्था के साथ यदि एकीकरण या विलीनीकरण के समय भी इसकी आवश्यकता होती है, और पुनः पूंजीकरण पुनः समायोजन या पुनः संगठन के समय भी महसूस की जाती है। इन सभी जो परिस्थितियां हैं में वित्तीय प्रबंधन के सामने दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं और वो हैं, प्रथम तो ये है कि कितनी मात्रा में प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाए, उसकी क्वांटिटी क्या होगी उन प्रतिभूतियों की जिनका हमें निर्गमन किया जाना,
आप किस प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्माण किया जाए, जो हमारे पास प्रतिभूतियां हैं उसमें से कौन सी प्रतिभूतियों का हम निर्माण करें, कितने मात्रा में प्रतिभूतियों का निर्माण किया जाए तथा संबंध पूंजीकरण से होता है, जितने कितनी मात्रा के बारे में जानकारी हो कि प्रतिभूतियों का निर्माण किया जाए उसका संबंध तो है पूंजीकरण से, तथा किस प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्माण किया जाए इसका संबंध पूंजी संरचना से। दूसरे जो लेखक हमारे हैं वेस्टर्न एवं ब्राइगम के अनुसार, पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंधन होता है जो दीर्घकालीन ऋणों, पूर्वाधिकारी अंशों तथा शुद्ध मूल्य से प्रदर्शित होता है। इसमें मुख्य रूप से पूंजी संरचना में क्या कहा कि जो स्थायी वित्त प्रबंध है वो पूंजी संरचना है, और जो दीर्घकालीन ऋणों से हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, पूर्वाधिकारी अंश हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं और नेट वैल्यू है, शुद्ध मूल्य से प्रदर्शित होता है वो। और दूसरे लेखक हैं आर एच वेसल के अनुसार भी पूंजी संरचना का उपयोग प्राय किसी व्यावसायिक संस्था में नियोजित कोषों के दीर्घकालीन स्रोतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब ये कि किसी भी पूंजी संरचना का उपयोग है जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उसमें लंबे समय के लिए पूंजी की व्यवस्था करना है, वो पूंजी संरचना है। अंत में हम कह सकते हैं कि पूंजी संरचना में प्रमुखतः विभिन्न प्रतिभूतियों के पारस्परिक अनुपात को निर्धारित किया जाता है कि किन किन प्रतिभूतियों का किस किस अनुपात में हम उसके माध्यम से पूंजी एकत्रित करें, पूंजी की संरचना की व्यवस्था करें, ये निर्धारण करना है। अर्थात ये निर्णय लिया जाता है कि कुल आवश्यक पूंजी का कितना भाग अंशों से तथा कितना भाग ऋणपत्रों से एकत्रित किया जाए, कि कितनी राशि तो हमें समता या पूर्वाधिकार अंशों से लेनी है और कितनी हमें ऋणपत्रों से या अल्पकालीन दीर्घकालीन लोन से एकत्रित करनी है। अतः अंश पूंजी में से कितना भाग समता या साधारण अंशों से तथा कितना भाग पूर्वाधिकार अंशों से एकत्रित किया जाए, पूर्वाधिकारी अंश तथा ऋण पूंजी कंपनी की आय पर एक निश्चित भार उत्पन्न करते हैं। आपको पहले भी बताया था कि जो पूर्वाधिकारी अंश और ऋण पत्र हैं जो अपेक्षा दियाते हैं उनको एक निश्चित रूप से आय होती है, आय कंपनी का भी भार है, अतः ये एक निश्चित भार उत्पन्न करते हैं। अतः स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियां फिक्स कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज कहलाती हैं। दूसरी तरफ साधारण अंशों पर लाभांश घोषित करना सदैव आवश्यक नहीं होता है। जो इक्विटी अंश हैं उस पर जरूरी नहीं कि लाभांश घोषित किया जाए, ये कंपनी की यदि लाभांश होता है, लाभ होता है तो लाभांश की घोषणा की जा सकती है। अर्थात अंश पूंजी का तथा लाभांश कितना घोषित किया जाए ये लाभों पर तथा संचालकों की नीति पर निर्भर करता है। साधारण अंशों पर लाभांश कम या अधिक घोषित किया जा सकता है, अतः ये परिवर्तनशील लागत प्रतिभूतियां वेरिएबल कॉस्ट सिक्योरिटीज कहलाती हैं। संस्था को उपयोग दोनों ही प्रकार की प्रतिभूतियों के मध्य संतुलन स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि प्रतिभूति संतुलन का संस्था के दीर्घकालीन वित्तीय जो सुदृढ़ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और यदि कोई संस्था इस संतुलन को कायम नहीं रख पाती है तो वित्तीय ढांचा असंतुलित हो जाएगा जो कि संस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार हमने पूंजी संरचना का अर्थ, परिभाषा और उनके क्या क्या उस पूंजी रचना संरचना में हम सम्मिलित करते हैं उनका अध्ययन किया। अब हम आगे पूंजी संरचना, वित्तीय संरचना, पूंजीकरण तथा संपत्ति संरचना के बारे में भी जानेंगे। कुछ अवधारणों के प्रयोग से भ्रम को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि मैं अत्यंत प्रयुक्त धारणाओं के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ लें, और इस संबंध में यहाँ वित्तीय संरचना, पूंजी संरचना तथा संपत्ति संरचना को स्पष्ट करना चाहिए, जो इस प्रकार से है।
कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटलाइजेशन एसेट्स स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम पूंजी संरचना की बात करेंगे। फर्म की स्थायी वित्तीय व्यवस्था पूंजी संरचना है। कोई भी फर्म संचालित करने के लिए उसकी स्थायी जो वित्त की आवश्यक व्यवस्था की जाती है वो पूंजी संरचना कहलाती है, जो सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण, पूर्वाधिकारी अंश एवं समता द्वारा व्यक्त होती है, जिसमें अल्पकालीन साख सम्मिलित नहीं होती हैं और समता में समता अंश पूंजी अधिक्य तथा संचित धारित आय सम्मिलित होती है। इस अर्थ में पूंजी संरचना का तात्पर्य जो तात्पर्य है वो संस्था की स्थायी पूंजी से लिया जाता है। पूंजी संरचना में दीर्घकालीन कोष, सामान्य अंश पूंजी, पूर्वाधिकारी अंश पूंजी, संचयम कोष, दीर्घकालीन ऋण, इस प्रकार की जो माध्यम से पूंजी एकत्रित की जाती है वो पूंजी संरचना है। कुल पूंजी, कुल पूंजी में समता और ऋण पूंजी दोनों सम्मिलित होती है। समता में समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकारी अंश पूंजी, अंश प्रव्याजी और प्रतिधारित अर्जने ये सम्मिलित की जाती हैं। ऋण पूंजी में अवधि ऋण, ऋणपत्र, स्थगित भुगतान दायित्व और अन्य दीर्घकालीन ऋण ये सम्मिलित किए जाते हैं। एक संस्था की कुल पूंजी की संरचना कैसे है, जिसमें उस कुल पूंजी के माध्यम से हमने चार्ट के माध्यम से बताया, और दूसरी थे वित्तीय संरचना। वित्तीय संरचना ये संरचना व्यक्त करती है कि संस्था ने अपनी संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की। इसमें संस्था जो है वो संपत्तियों के लिए वित्त की व्यवस्था किस प्रकार की है वो सम्मिलित होता है इसमें। ये स्थिति विवरण के समस्त बाएं हाथ के भाग का योग होता है और वित्तीय संरचना के अंतर्गत व्यवसाय के समस्त दीर्घकालीन व अल्पकालीन दायित्वों को सम्मिलित किया जाता है। अतः वित्तीय संरचना दीर्घकालीन कोष व चालू दायित्व इनका योग, अथवा पूंजी संरचना प्लस चालू दायित्व इनका योग कराता है। और तीसरा था अपना पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। कई बार पूंजी संरचना तथा पूंजीकरण को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लेकिन दोनों में मौलिक रूप से पर्याप्त अंतर है, ये भी आपको स्पष्ट किया है। पूंजीकरण से तात्पर्य कुल दीर्घकालीन कोषों की मात्रा निर्धारित करने की प्रक्रिया से है। जैसे गेस्टनबर्ग के अनुसार बताया गया था आपको कि पूंजीकरण का अर्थ व्यवसाय की नियमित रूप से लगाई गई सभी पूंजी के कुल लेखांकन मूल्य से होता है, और ये वह प्रक्रिया है जिससे कुल पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है, वो पूंजीकरण। और अंतिम आपको संपत्ति संरचना, असेट स्ट्रक्चर, इसका तात्पर्य संस्था की कुल संपत्तियों के योग से होता है। यह संस्था की स्थायी और चालू संपत्तियों का योग है। अतः संपत्ति संरचना में हम स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां और प्लस अन्य संपत्ति यदि कोई हों तो उनका योग होता है, उसे संपत्ति संरचना असेट स्ट्रक्चर कहते हैं। इस प्रकार हमने इसमें पूंजी संरचना का अर्थ, परिभाषा और उनके शाब्दिक अर्थों को अध्ययन करते हुए पूंजी संरचना, वित्तीय संरचना, पूंजीकरण तथा संपत्ति संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। धन्यवाद।